भाइयों, किसान की मेहनत कोई नहीं देखता ना समझता। कल मैं वीडियो बना के ले गया था, यहाँ लान कट रहा था, गिल्ला लान था, अर्जुन ट्रैक्टर था, और बेचारे ने रात ही भुसठाया किसानों ने, और अब जा खेत तैयार कर रहे हैं। ये देखिए दोराला गांव के चोई साहब हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। बारिश पड़ रही है, ये देखिए शीशे पे कितनी बूंद आ गई। किसान किसके लिए कर रहा है? देश के लिए। ये तो सिर्फ अपने गुजारे के लिए फसल बोता है, बाकी तो खाने वाला कौन है? पूरा देश, पूरी दुनिया अन्न पैदा किया बेचारे ने, लावा लाया ढूंढ गए, फिर थ्रेसर वाला आया किराए पे, मौसम खराब, कुदरत भी साथ नहीं देती, पहले लू चला करती थी इस मौसम में, और अब देखिए क्या हाल हो रहा भाइयों, बारिश। अब बेचारे को, किसान को गन्ना बोना है, गन्ना के ऐसे बुझाएगा, सुक्का तैयार कर रहे हैं, इसमें खाद भी डाला जाएगा, गन्ने की छिलाई भी होगी, बोया भी जाएगा। कई बार बारिश तकड़ी हो जाती है, किसान का बीज कट के खेत में पड़ जाता है, और बारिश पड़ जा तीन तीन दिन तक बीज नहीं बोया जाता। तो ये बस कुदरत का कमाल है, पहले लुए चला करती थी, किसान को थ्रेसर नसीब नहीं होता था, खेतों में लान डाल के उसकी पूड़ी खोल के और उस पर बैलों से दाएं चलाया करते थे, मतलब घुमाया करते थे गोल गोल, तब महीनों में जाके एक उठती थी, मतलब ये लगा लो अप्रैल मई जून तीन महीने लू चला करती थी, घटानी हुआ करती थी, लोग ऊपर देखा करते थे थोड़ी सी छांव आ जाए हमारे सर पे, सिर्फ सर पर चद्दर बांध गए, किसान तीन महीने लगातार अपनी फसल ठाया करता था। लेकिन कुदरत ऐसा साथ देती थी, एक बार भी बूंद नहीं पड़ती थी ना किसान की फसल खराब होती थी, हवा चलते में ही बरसाया करता था, और नाज अपने घर और भूसा अपने घर, लोग मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करते थे। अब मशीनरी युग आ गया, तीन तीन साढ़े तीन तीन लाख की मशीनें हैं, लेकिन वे भी परेशान कर रही हैं, क्योंकि गिल्ले लान में तो दिक्कत आती है। अब भाइयों, किसान की मेहनत देखो, इनके एक लड़का है वो पढ़ रहा है, ये बेचारे ठेकेदारों के साथ में पूरे दिन लगे रहते हैं, इन्हें होश नहीं है, दिन रात कभी ट्यूबवेल पा कर पानी चलाना, कभी कुछ करना, तो ये इनकी मेहनत है जी। तो भाइयों देखिए किसान की मेहनत, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार।